राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह वर्किंग कमेटी की पहली बैठक है। बैठक में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और विधानमंडल के नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्य रूप से दो विषयों पर चर्चा होगी, पहली मौजूदा राजनीतिक हालात पर और दूसरा आगामी लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2019 पर। माना जा रहा है कि बैठक में संसद में गृह विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए आने वाले दिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव काफ़ी अहम हैं। ऐसे में वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात पर भी बात हो सकती है। अगर सूत्रों की माने तो नई कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक का कोई विशेष एजेंडा नहीं है, केवल मौजूदा राजनीतिक हालात और आने वाले चुनावों को लेकर ही बात होगी। हाल ही में राहुल गांधी ने नई सदस्यीय कार्य समिति का गठन किया था। नई सीडब्ल्यूसी में कुल 51 सदस्य हैं। इनमें 23 सदस्य, 18 स्थायी सदस्य और 10 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस के मोर्चा संगठनों यानी यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस इंटक और सेवा दल के अध्यक्षों को CWC में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है। अभी तक ये विस्तारित CWC समिति के सदस्य होते थे।